प्रदर्शन, आगजनी और कांग्रेस का हल्ला बोल, ये तस्वीरें हैं दिल्ली की। अपने नेता के समर्थन में केंद्र सरकार पर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी ने लगातार तीसरे दिन पूछताछ की। उधर पूछताछ के लिए पहुंचने से पहले राहुल गांधी ने पहली बार प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने राफेल का मुद्दा उठाया और पीएम मोदी पर तीखा प्रहार किया। ये आप मोदी जी से राफेल डील जो है इसके बारे में सवाल क्यों नहीं पूछ रहे, और ये जो अमित शाह जी के पुत्र हैं इनके बारे में आप सवाल क्यों नहीं पूछ रहे, ये क्या हो रहा है? आप मुझसे जो पूछना चाहो मैं पूछते हो, मैं खुशी से जवाब देता हूँ, मगर प्रधानमंत्री जी जिन्होंने राफेल डील में पूरी डील को बदल दिया, एक बिजनेसमैन की मदद करने के लिए डील बदल दी, उसके बारे में आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हो? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। धन्यवाद। राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय तीन दिन से पूछताछ कर रहा है। तीन दिन में पहली बार राहुल गांधी बोले और पीएम मोदी पर उन्होंने सवाल उठाए। राहुल गांधी पूछताछ के लिए पहुंचते उससे पहले ही कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया। सुबह से ही कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो गए। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प भी हुई। वहीं इस बीच पुलिस कांग्रेस दफ्तर के अंदर घुस गई, जहां प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। इससे पहले राहुल गांधी से मुलाकात करने उनकी बहन प्रियंका गांधी भी पहुंची थी, जिसके बाद उन्हें राहुल के साथ कार में बैठे भी देखा गया। राहुल गांधी के आवास के बाहर सुबह से ही कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा, जो उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस सांसद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी प्रदर्शन कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी जांच के दायरे में, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर बरकरार रखा है। राहुल ने अगले 1.5 साल में 1,00,000 नौकरियां उपलब्ध कराने संबंधी पीएम मोदी के बयान पर भी तंज कसा था। राहुल ने मंगलवार को ट्वीट में लिखा, जैसे 8 साल पहले युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया गया, वैसे ही अब 1,00,000 सरकारी नौकरियों की बारी है। ये जुमलों की नहीं महाजुमलों की सरकार है। प्रधानमंत्री जी नौकरियां बनाने में नहीं, नौकरियों पर बनाने में एक्सपर्ट हैं।